Assalamualaikum boys, welcome back to another vlog, another video. कैसे हैं आप लोग? सब फिट हैं, जबरदस्त हैं? जो लोग चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी ना देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे फिट होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों के दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। आज का सीन ये है कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों को गाड़ी दिखाई थी सारी, तो 84 सिविक, वो भाई यहीं छोड़ के चले गए। वो कह रहे थे इसकी डिटेलिंग और इस पर कोटिंग कर दो ताकि मैं एक ही दफ़ा गाड़ी ले जाऊँ। गाड़ी वो छोड़ के गए हैं अपने F10 फ्लैट पे। तो ठीक है आ जा, अभी बाबा मुझे ड्रॉप करेगा नीचे इमरान खान चौक तक, वहाँ से आगे मैं जाऊँगा बाइक यहाँ पे, क्योंकि अगर अपने बाइक पे अपनी गाड़ी पे जाता हूँ तो फिर दूसरी गाड़ी कैसे लेके आऊँगा? पहले भी मैं इसीलिए नहीं ला सका। तो अभी इंशाल्लाह निकलने लगा हूँ, बाकी अभी तैयारी पूरी है। ज़रा सर्दी शर्दी मौसम जो है ना वो बैड हुआ है, बारिश के चांसेस नज़दीक ही हैं, तो निकलते हैं इंशाल्लाह। और बाइक अब जाता हूँ तो इंशाल्लाह आप लोगों को रास्ते में मिलता हूँ। और हाँ, आप लोगों को अकॉर्ड के बारे में बताऊँ तो इंशाल्लाह सून जो है ना हम इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। बस इसमें इंजन अभी नहीं है, इंजन पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। अभी लाइट गई भी है, इसको इधर रखते हैं। ये पड़ा हुआ बॉयज इंजन, ये मेरी अम्मा जो है ना वो बहुत तंग आई हुई है हमारे सामान की वजह से। ये पड़ा हुआ इंजन, ये कंप्लीट इंजन पड़ा हुआ D15। ये नेक्स्ट फिर जब डालेंगे गाड़ी में इंजन भी डालूंगा, और पता नहीं ये चलती भी आई, इसके पीछे व्हील भी जाम हुए हैं, तो इंशाल्लाह सारा प्रोसेस आप लोगों को चेक करवाऊंगा। अभी आपका भाई आया है इमरान खान चौक में, तो ये एक बाइक वाला भाई खड़े और एक वो खड़े, दोनों ही कह रहे हैं कि जो है ना ये इमरान खान चौक है, ये दोनों ही बाइक वाले कह रहे हैं कि भाई जान हम तो नहीं जाते। अब बैठा हूँ यहाँ पे, बाबा भी वेट कर रहा है कि ये ना हो कि बाइक वाले मिले ही नहीं। बैठा हूँ यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि कोई बाइक वाला आए तो फिर उसके साथ जाता हूँ। ओए तू जा ना, तू चला जा, वो न्याजी गुजरेगा, वो आ रहा है, वो न्याजी को घेरता हूँ सबर का। न्याजी आ रहा है तो घेरते हैं, देखते हैं क्या। ओए तूने जाना है कहीं? जाने तूने कहीं? फिर मुझे F10 छोड़ेगा? मैं दूंगा भाई तुझे रुपया 600, पेट्रोल भी तेरा। बाबा साथ आए, बाबा क्यों साथ आएगा, वो घर जाने लगा, उसे अपना काम है। 600 रुपया दूंगा भाई। यार कितना बगैरा था यार, 600 रुपया बजट डन है, 600 रुपया आपको मिल जाएगा। पेट्रोल शोल मैं नहीं डलवाऊंगा, पेट्रोल भी तू ही डलवाएगा। सुथरा बाइक जहाँ मिल गया, बाबा जाएगा घर, उसको अपना काम है। मैं चलता हूँ, बाबा छली ले रहा है, ओ खड़ा छली ले रहा है, बाबे से छली लेता हूँ फिर इंशाल्लाह चलता हूँ। गुड बाइक जहाँ मिल गया, गुड। अच्छा जी बॉयज, प्लान हो गया था चेंज, बाकी तो कोई नहीं आती क्या तू क्या, लेकिन बाबा भी आ गया साथ। बाबा कहता फिर मैं इधर बैठ के क्या करूँगा, जब तुम लोग जा रहे हो तो मुझे भी आएगा साथ। अभी रास्ते में मुझे लग रहा है कि बाइक में ना पेट्रोल ख़त्म हो गया, मुझे लग रहा है उसको, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी फिलहाल 2-4 मिनट के साथ आ रहे हैं, अभी तो चल रहा है, ख़त्म होता था फिर आप लोगों को जो है ना मैं बताता हूँ। वही हुआ जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसके बाइक में पेट्रोल ना सिर्फ दुकान पे आने तक का होता है। अभी उल्टाया है, अभी है को मेरे ख्याल में आगे 5 किलोमीटर है, अल्लाह करे पहुँच जाए। जलील ही कराया बाइकिया, दूसरा बाइकिया करा ले तो दांत निकाल रहा आगे से। चल 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 ये भाई जान, हम पहुंच ही आए हैं जी, फाइनली पहुंच ही आए, अल्लाह के आसरे पे आ गए हैं, लेकिन पहुंच आए, पहुंच गए बॉयस। F10 पहुंच गए हैं गाड़ी के पास, गाड़ी को भी लेके जाते हैं, उसकी करते हैं डिटेलिंग, उस पर करनी है कोटिंग। कुछ काम रह गए थे गाड़ी के, तो भाई चले गए वापस, तो डिटेलिंग इसी करते हैं, गाड़ी को एक नज़र मारें चेक करें। नीचे कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि ये कैसी तैयार हुई है गाड़ी। अभी हल्का सा इसको ड्रॉप करेंगे क्योंकि गाड़ी फैमिली यूज में रहेगी। A few minutes later. ये शुजेब को हमने इधर F10 में, ये F10 में होता है किसी ने कोई इस तरह का बोर्ड छोड़ या लगवाना हो, ये साथ ही है, ये इसका नया कारोबार है, तो
ये बोर्ड लगवाता है, ये एलईडी वाले अंदर लिखा हुआ आता है। जिसने अपना बिजनेस के लिए ये बोर्ड लगवाना है शरीफ से रब्ता करें। वो पीछे डायनासोर भी जूम का अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग। ये शरीफ की तरफ से ट्रीट, नजीब स्पॉट, क्या बात है जियो शरीफ। गाड़ी शाड़ी ले आए भाई साहब, करवा रहे थे बोर्ड लगाने की हेल्प नहीं है। पहले आपको बताया ये इसका बिजनेस है दरूल खाते, बिजनेस नहीं है। एक तो मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि तुम दोनों आए हो मेरे साथ बाइक के, मैंने किए पैसे पे, ठीक है, और इधर आ गए तुम लोग शॉर्मे अफगानी, क्या कहते हैं, अफगानी बर्गर भी मेरे से खा रहे हो। मुझे समझ नहीं आई। मंगवाए हमने डबल सॉसेज बर्गर, मार्कर अच्छा, मार्कर मेरा नहीं है, मार्कर में कर रोजले का। अच्छा पैसे मैंने दे दिए, तो मैंने कहा मुझे जाके ना वहाँ पैसे अपने अपने दो, हम तो तेरे साथ आए हैं। मैं तो बाइक यहाँ भी आया हूँ पैसे दे के। खैर हम आए अभी अफ्टन आए नजीब स्पॉट पे अफगानी बर्गर खाने। अफगानी बर्गर आता है तो फिर आप लोगों को बर्गर चेक करवा देंगे कैसा बर्गर है। अरे बॉयज बहुत महंगा पड़ा है मुझे, क्योंकि तीनों ने जो है ना, तीनों मुझ समेत जो है ना बाबा रियादी, इन्होंने मेरे पे डाला बर्गर। ये बर्गर है फ्राइज है साथ, इसमें जो है ना सॉसेज है, चिकन चिकन सॉसेज है सर। और वेज नाइस, नुक्ते वाले बैठे हुए, वेरी नाइस। बर्गर शर्गर खाते हैं, वापस से निकलते हैं, आपको मैं शॉप पे पहुंच के मिलता हूं इंशाल्लाह। क्योंकि अभी मैं बाइक पे जाऊंगा, ये गाड़ी पे आ रहे हो, ठंड ठीक ठाक होगी, फुल पैकिंग करूंगा और शाम भी होगी। अच्छा जी बॉयज, तो उधर से खाना शाना खाया निकला है एफ टाइम से, मुझे ये भेज रहे थे बाइक पे, मैं तो आया हूँ बाइक या पे, मैं तो उधर गया हूँ, खुद नियाजी साहब जा रहे थे गाड़ी में। और ठंड इतनी है कि बस क्या ही बताऊँ, हल्की हल्की इस्लामाबाद में फोग भी है, यूँ मोबाइल में नज़र नहीं आ रही लेकिन अच्छी खासी फोग हुई हुई है। अभी गाड़ी का छत का कपड़ा नहीं लगा हुआ, गाड़ी की मैं करूँगा डिटेलिंग करने के बाद कल गाड़ी देनी है कोशिश वाले को, छत का कपड़ा वो लगाएगा, फिर मैं आप लोगों को चेक करवाऊँगा कि छत का कपड़ा लग के कैसा लगा। अच्छा जी बॉय, तो शॉप पे पहुँच गए और पहुँचते ही ना बॉयज ने काम छिट दिया, शुरू कर दिया कि डिटेलिंग स्टार्ट शुरू कर दी है, उसके बाद करेंगे कोटिंग। तो पहले आपको बताया वन स्टेप कंपाउंड, वैसे तो पेंटर ने कंपाउंड की है लेकिन उस कंपाउंड में और फिर अपनी कंपाउंड में फिर कुछ तो फ़र्क है ना। तो नवी साहब ने काम शुरू कर दिया, मैं ज़रा काम लगा हुआ हूँ, समझ रहे हैं बात को, और बाबा रिंसिंग साफ कर रहा, टायर से चमका रहा, उसके बाद मैं भी इंशाल्लाह जुड़ जाता हूँ। One hour later. अच्छा जी, ये जो है ना इंजन भी हो गया था डन पेंट। अभी गाड़ी का जो मसला आ रहा था, हमने डाला थर्मोस्टेट वाल, गाड़ी हो रही हीटअप तो थर्मोस्टेट वाल निकालने लगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह करे मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। थर्मोस्टेट वाल का ही मसला है। और ये लोग है जी गाड़ी, वायरिंग का काम अभी कुछ रहता है और बम्पर हमने इसका अभी उतारा है, इस वजह से कि बोनट की तार गई थी टूट, तो बोनट तो खुल ही नहीं रहा था। खैर बम्पर खोल के ओखा सोखा जो है ना वो अच्छा जी, गाड़ी में जो मसला आ रहा था वो थर्मोस्टेट वाल का था, थर्मोस्टेट वाल लगा हुआ था तो गाड़ी बार बार हीटअप हो रही थी, वो हम लोगों ने अभी निकाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी का मसला हो गया हल। बाकी अभी इलेक्ट्रिशियन के थोड़े से काम रह गए, बाकी सारी चीज़ें वर्किंग में, और गाड़ी की अंदर कोटिंग हो रही है, रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं। सुबह के जो हमारे प्लान हैं वो 84 से भी क्या है, वो पहुंचानी है सदर, और हमने जाना है कच्चा स्टाफ, वहाँ पे थोड़ा सा सर्च ऑपरेशन करना है, ठीक हो गया। इसके काम जो सस्पेंशन वाले थे वो भी ऑलमोस्ट हो गए, ऑलमोस्ट क्या, वो तो सारे डन हो गए। अभी इसके रिम टायर जो हैं वो अजमत लोगों के पास पड़े हुए, जो उस्मान भाई की गाड़ी पर रेज लगा हुआ था वो वहाँ वाकेंट से ले के आने। बाकी इसके काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह डन, कुछ छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियन के काम है वो भी इंशाल्लाह एक आध दिन में हो जाएंगे, फिर इसका फिट किस्म का टेस्ट रन है ना वो होगा, जाएंगे इंशाल्लाह चक्री जाकर इसको टेस्ट रन करेंगे। तो अब आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह सुबह। कल के सीन्स का आपको पता ही था, ईजी हैच की भी अपडेट दे दी और 84 से भी प्यारी की भी कोटिंग शूटिंग हो गई,
अब आप इसकी शाइन चेक करें, पहले में और अभी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। रात की खड़ी हुई है, खैर स्टूडियो तो बंद था लेकिन हल्की फुल्की मिट्टी आती आती। अभी अभी का सीन ये है कि सुबह के बज रहे हैं 12 और बाबा जो है ना वो ज़िंदगी में पहले दफा उठ गया जल्दी, और हम अभी जाने लगे हैं कच्चा स्टॉप कुछ सर्च ऑपरेशन के लिए, कुछ दो चार काम वाम है, और अभी निकलते हैं और इंशाल्लाह आपको वहाँ पहुँच के मिलता हूँ। भाई अभी अभी हम पहुँच गए, सैटरडे आज, और सैटरडे का ये सीन है कि सैटरडे को खुलते हैं कंटेनर, तो बाइक से दौड़ता हूँ तो इंशाल्लाह आपको सारे सीन्स जो है ना चेक करवाता हूँ, चीज़ें जो है ना बाइक पे इंजॉय करें थोड़ा सा सीटें देख। अच्छा जी बॉयज, सीन ये है कि पहुंच तो गए हैं, डॉग छोटे छोटे खेल रहे हैं, बाइक की टेंशन है तो बाइक ही ना खास लिया। रास्ते में बाबे ने आपको थोड़े से सीन चेक करवाए, सैटरडे आज सैटरडे को खुलते हैं कटेन, और जो है ना बड़े वीआईपी सीन्स हुए हैं। हम आए हैं इधर रिम टायर के चक्कर में, और रिम टायर का कोई सीन ही नहीं है बाबे, इधर से कोई होंडा का जानवर जो है ना व्हील कप मिल सकता है, वो पड़े हुए एक ये भी पड़ा हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा व्हील कप है, ये अगर आप व्हील कप से भी गाड़ी ड्रॉप करो ना बड़ी अच्छी ड्रॉप होती है, ये भी होंडा का कोई OEM व्हील कप है, बड़ा ज़बरदस्त है, ये तुर्किश टायर गाड़ियों में ना ये व्हील कप इस तरह के लगे हुए होते, ये नहीं काम का, ये पता नहीं ये 13 है ये, और ये मुझे 15 लग रहा है ये वाला, ये एक ये भी पड़ा हुआ है, ये देख नाइस व्हील कप पड़े हुए, ट्रेला ही ना आगे रेड़ या नीचे पड़े हुए होंगे, हम आए पता नहीं कौन सी मिट्टी से निकला ये सामान, कौन से शहर था जिसमें इतनी मिट्टी थी, दुबई में इतनी मिट्टी है, फ्रेम की डील होगी, फ्रेम ले लिया, उस्मान भी अदर दो तीन और भी लगे हुए देख रहे हैं, उसमें से कोई और तो नहीं चाहिए, ध्यान से खोलो, इन्होंने ख़रीदा है फ्रेम, आपके भाई ने ख़रीदी है 12 की गोटी इंग्लिश, ये 12 साइज़ की अच्छी क्वालिटी, 100 रुपये की है, इतने सामान में से मैंने ये गोटी खरीदी है सिर्फ। चाचा जी इधर इतनी मिट्टी किधर किधर पड़ा हुआ था सामान? गोदाम में पड़ा है। अच्छा अच्छा, गोदाम में छत पे पड़ा हुआ था ये, तो चाचा नंबर प्लेट भी साथ दे देना, नंबर प्लेट का क्या करें प्लीज़ चाचा, नंबर प्लेट में भेज दो चाचा, देखिए इतने प्यारे कपड़े आपने पहने हुए, इतने मोटे जैकेट भी पहनने की जरूरत नहीं इनके ऊपर, पता है ना हर चीज़ पर, ये नंबर प्लेट दे देना चाचा साथ प्लीज, ले लो भेज दो, नंबर प्लेट भी हमने चाचा से मिल तला करके ले ली, गुड चाचा था, गुड वेरी गुड चाचा था, क्या इधर गली में ऊपर एक सिविक पड़ी हुई दिखाऊं, कटी हुई नहीं, नहीं कटी हुई नहीं है, मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ सिविक, मैं बहुत पहले इधर एक दफ़ा आया था, इधर गली में छत पे एक सिविक रखी हुई इन्होंने, वो इनको दिखाने जा रहा हूँ, और किधर रुक गए हो, तो सामान पर मिट्टी थी इतनी ज़्यादा, धोने बैठ गई, अच्छी नंबर प्लेट है यार, तो बैक पे मारो ना, ओए वो ऊपर पड़ी है गाड़ी, ये चक्कर वॉइस, ये नाइनटी 2000 होंडा जो है ना उसका फ्रेम पड़ा हुआ है, बहुत अरसे का पड़ा हुआ है, मैं दूसरी तरफ से पीछे से कोई रास्ता ढूंढता हूँ वहाँ से, हैं पता नहीं ऊपर कैसे ले गए, मैं पीछे से कोई रास्ता ढूंढता हूँ, आप लोग फ्रंट से जाके चेक कराता हूँ कि क्या सीन है, ये क्यों पड़ी हुई इधर, बाबा फंस गया इसमें कि गाड़ी जो है ना जाके देखनी ही देखनी है, ये सीढ़ियाँ यहाँ से नज़र आएगी बाबे, यार सब्र ऊपर पड़ी जा, मैं जाता हूँ ना जानी,
पता नहीं क्यों पड़ी है यहाँ यार, ये मिल जाए तो वैसे तैयार तो हो ही जाएगी, 2000 होंडा सामान सामान तो बॉयज का मिल ही जाता है। इस का सामान पड़ा हुआ, किसी को बीएम का रिम चाहिए हो तो कच्चा स्टॉप है ये गली में, आगे पता वता कर सकता है। ओए ओए ओए, जो एक्स्ट्रा सामान है ना वो छतों में फेंका, ये ट्रक बजा है उन्होंने नया डाल दिया और ये उठा के इधर फेंक दिया। हम आगे थे कुछ मिला तो था नहीं, फिर शूटर आ गए घर। और एक मिनट, गर्मी को इतनी थी ना ऐसा लगा था गर्मी आ गई, घर आते ही फौरन नहाया हूँ। हो गया नमाज का टाइम, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, फिर आपको शाम को मिलते हैं, जो भी सीन हुआ फिर साथ आपको भी टच करूँगा इंशाल्लाह। शाम के सीन भी आप लोगों को बताया था, शाम का सीन ये कि हम आ गए खाना खाने के लिए यार, खाना इसको ना अभी आया नहीं आज है, खाना हमने खाना था अजीज भाई की पीएम पिक दी है, अजीज भाई है जिन्होंने मुझे जो है ना जॉगिंग पे लगाया, ठीक है ये हमारा अजीज भाई है, ठीक है।